जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज सुबह जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसने भारत के जो कश्मीर है उसमें घुसने की कोशिश की। पाकिस्तानी F-16 जो कि एक उन्नत और बेहतरीन लड़ाकू विमान है, उन्होंने घुसने की कोशिश की और जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको निशाने पर लेने की कोशिश की। लेकिन जो हमारी एयरफोर्स है वो पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। जैसे ही वो हमारे एयर स्पेस में आए जो पाकिस्तानी लड़ाकू विमान है, तुरंत जो हमारे जो MiG-21 है यानी MiG-21 तुरंत हवा में उड़े और उनसे एंगेज हो गए पाकिस्तानी जो लड़ाकू विमान है और डॉग फाइट चालू हो गई हवा में ही, जिसमें हमने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। लड़ाई में जो हमारा MiG-21 है वो भी क्रैश हो गया, यानी उसको भी नुकसान पहुंचा था और वो क्रैश हो गया। जो पायलट है उसने इजेक्ट तो किया लेकिन वो मिसिंग जा रहा है। हो सकता पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के 2 पायलट को गिरफ्तार किया है। ऐसा उन्होंने कहा है कि 2 पायलट भारतीय पायलट पाकिस्तान की गिरफ्त में है। हम कामना करते हैं वो सकुशल हों, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने इसकी ऑफिशियल जानकारी जो हमारा विदेश मंत्रालय है या रक्षा मंत्रालय को नहीं दी है। और जो हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने अभी थोड़ी देर या 3 बजे के करीब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहें प्रेस ब्रीफिंग की थी, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमने एक पाकिस्तानी जो F-16 लड़ाकू विमान है उसको मार गिराया और हमारा एक MiG-21 बाइसन जो लड़ाकू विमान है वो भी क्रैश हो गया, लेकिन पायलट मिसिंग है। और उन्होंने कहा है कि हम मिसिंग पायलट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है। वैसे हम कामना करते हैं कि वो सुरक्षित हों, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी है। अगर वो इंडियन साइड में होते तो अब तक रिकवर कर लिए जाते, मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तानी जो सीमा है उसके पार चले गए और हो सकता है पाकिस्तानी सेना ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया हो। ये MiG-21 के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे MiG-21 तो अब तक रिटायर हो जाने चाहिए थे और F-16 जो लड़ाकू विमान है वो ये मान लीजिए जो हमारे Sukhoi-30 MKI विमान है उनसे भी काफी ज्यादा उन्नत है, क्योंकि इसमें एडवांस वेपन सिस्टम है और एडवांस रडार सिस्टम है और जो इनमें कई जो GPS सिस्टम है वो भी हमारे जो लड़ाकू विमान है उनसे उन्नत है। फिर भी जो हमारे जो MiG-21 ने जो F-16 है उसको मार गिराया है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो एयरफोर्स के पायलट हैं कितने प्रोफेशनल और कितने बेहतरीन ट्रेंड हैं। जो जम्मू कश्मीर का एयर स्पेस है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अभी दोपहर में कई जो एयरपोर्ट हैं हमारे जो पाकिस्तानी सीमा से लगते हैं, करीब करीब 26 एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया था और कई एयरपोर्ट जो सिविल एयरपोर्ट हैं उनको भी बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इनको चालू कर दिया गया है। और सुबह से ही प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो गृह मंत्रालय है वो उनमें बैठकों का दौर जारी रहा है आज पूरे दिन। और इसमें जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सबसे मिलते रहे हैं। तो पूरी जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है पूरी हाई अलर्ट पे है, पूरे का पूरा भारत जो है इस टाइम पे इंडिया यानी हाई अलर्ट पे है और हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हम फिर भी कामना करते हैं जो हमारे फाइटर प्लेन के जो पायलट थे वो सुरक्षित घर लौट आए, अगर वो इंडियन इलाके में है तो। अगर पाकिस्तानी इलाके में है तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए उनको रिकवर करने की और जल्दी से जल्दी भारत लाने की। वैसे ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, हम आपको बता दे रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।